हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने रियल आंसर्स पे एक और वीडियो लेके आया हूं जहां पर मैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम कराने वाला हूं। इसके बाद मैं आपके सामने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कोची मीन वैल्यू थ्योरम इन सब के प्रूफ प्लस इनमें आए हुए जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियोस रियल आंसर्स पे अपलोड कर दिए तो वो आप आईडेप पे जाके देख लीजिए। प्लस इसको समझने से पहले आपको लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है तो वो भी आप एक बार आईडेप पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसमें देखिए यहाँ पे रोल्स थ्योरम बोलती क्या है। तो रोल्स थ्योरम ये बोलती है हमारे पास यहाँ पे कि अगर कोई भी फंक्शन इफ एफ एक्स इज फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए एंड ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए, राइट। एंड जो एंड पॉइंट्स है उस पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल होती है देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, तब इस इंटरवल में एक ऐसा सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करें तो इसमें हम यहां से ऐसा समझ सकते हैं कि ये अगर इस टाइप के अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है, लाइक ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और इसको अगर हम ऐसे मिला है यहाँ पे, राइट, है ना। तो हम देख रहे हैं इसमें यहाँ पे हमारे पास एफ है और एफ बी, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, स्टूडेंट सेम आ रही है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली अगर दो पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब पॉइंट जो कर्व है वो कहीं ना कहीं राउंड हो रहा है, या तो ऊपर से राउंड हो रहा है या नीचे से राउंड हो रहा है, राइट। और अगर राउंड हो रहा है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर इसकी जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट। और अगर किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास सी है, है ना, और इसकी सी पॉइंट पर इसकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है, इसका मतलब उस पॉइंट पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि टेन थीटा, याद है ना, स्लोप, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, राइट, मतलब डीवाई बाय डीएक्स। और अगर बाय चांस जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है वो जीरो, इट मींस उस वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो थ्योरम यही बोलती है अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर उसका जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा, मतलब वो राउंड करेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसकी जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या तो हम ऊपर की बात करें या फिर हम नीचे की बात करें, कहीं ना कहीं कर्व राउंड जरूर करेगा, राइट। तो यही थ्योरम यहां पे बोलती है। तो स्टूडेंट्स का प्रूफ समझने की जरूरत है, इसका प्रूफ क्या है, गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी बाय द मोस्टेस थ्योरम। स्टूडेंट मोस्टेस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है तो उसका मैक्सिमा या मिनिमा जरूर वो अटेंड करेगा, राइट। यही थ्योरम बोलती है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन बाय मोस्टेस थ्योरम एफ एक्स अटेंड इट्स मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू देयर अराइजेस टू। अब यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, है ना, ऑब्वियसली अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर हमें गिवन है यहां पे, राइट, तो इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कहीं ना कहीं तो अटेंड करेगा। तो हमारे पास यहां पे दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी की फंक्शन यहां पे क्या हो, स्टूडेंट यहां पे कांस्टेंट हो, राइट। हम मान ले भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, यहां पे ये ए पॉइंट है, यहां पे ये बी पॉइंट है, तो भैया इन दोनों पे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है, राइट, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, क्लियर। अगर ऐसा होगा तो बीच में ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा और चूंकि सी पॉइंट है और ये कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर बाई चांस इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर इक्वल, अगर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इक्वल होती है, इट मीन्स वो फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट है, दैट इज एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन देर एक्सिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी हमारे पास एक लाइन है, मतलब ये हमारे पास अगर कॉन्स्टेंट लाइन है, राइट, तो हर पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट सी अगर हम ए और बी के बीच में लें तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, राइट। इसमें सेकंड केस की बात करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट नहीं और ये इस टाइप का फंक्शन, राइट, ये हमारे पास सी है तो इसमें हम इसको ले लेते हैं सी माइनस एच और इसको ले लेते हैं हम सी प्लस एच, है ना। तो यहां पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, है ना, मैं इसको ले लेता हूं, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेता हूं मैं सी माइनस एच, है ना, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैं ले लेता हूं सी एफ सी, है ना, और इस पॉइंट पर जो अगेन हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, एफ सी प्लस एच होगी, राइट, एफ सी प्लस एच होगी, क्लियर है ना। और हम जानते हैं दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू। अब समझने की कोशिश करना, इसमें ये समझना इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ बात करूँ, है ना, इफ मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, है ना, मान लीजिए हमने अलग अलग पॉइंट पर मैक्सिमा, ये इस पॉइंट पर मैक्सिमा दे रहा है, इन दोनों पॉइंट पर हमारे पास किसी एक पॉइंट पर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, राइट। सपोज एफ एक्स इज मैक्सिमम एट सी, तो हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस सी माइनस एफ एक्स, इसमें इस पॉइंट का डिफरेंस इससे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। अरे भैया एफ एक्स प्लस
एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, है ना, ये हमारे पास एफ सी है ना, तो इसकी वैल्यू इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। और अगर C प्लस एच से भी इसका डिफरेंस निकाले, मतलब इससे भी इसका एफ सी का डिफरेंस निकाले, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। सो बोथ आर नेगेटिव, वेर एच इज स्मॉल, हमारे पास एच यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। तो आप समझने की कोशिश करिए, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एफ सी माइनस एच है और ये एफ सी है, तो एफ सी बड़ा है, तो अगर एफ सी माइनस एच में से एफ सी माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, राइट। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास बात करें यहाँ पे कि एफ सी माइनस एच, चलो मैं इसको नेक्स्ट पे आता हूँ, है ना, तो हमारे पास ये आ रहा है कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, इसमें वो कह रहा था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, है ना, ये नेगेटिव था। अगर ये नेगेटिव है तो इसको अगर मैं एच से डिवाइड करूँ तो भी नेगेटिव ही होगा, राइट, है ना। और मैंने अभी आपके सामने लिया था कि एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, भैया ये भी नेगेटिव था, पर अगर मैं माइनस एच से डिवाइड कर दूं, मतलब नेगेटिव से, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव से आप करोगे मल्टीप्लाई तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो इसमें ये हमारे पास नेगेटिव था तो एच से डिवाइड करेंगे तो भी नेगेटिव रहेगा, इसमें ये भी हमारे पास नेगेटिव था पर माइनस एच से डिवाइड किया तो पॉजिटिव। अब आप लोगों से ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि हम चाहते हैं कि ये हमारे पास अब एच टेंस टू जीरो, इसमें एच टेंस टू जीरो यहां पे और यहां पे दोनों तरफ लगाएंगे, जैसे एच टेंस टू जीरो यहां पे लगाएंगे आप, तो इसमें ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट बन जाएगी ना, राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, राइट। ये क्या बन जाएगा, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हो जाएगा, राइट, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला, क्लियर है। और जब इसकी बात करेंगे माइनस एच डिवाइड करके, तो इसमें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, राइट। और आप देख रहे हो ये दोनों ही एक लेस देन जीरो आ रहा, एक ग्रेटर देन जीरो आ रहा, राइट, इट मींस ये दोनों ही बराबर नहीं है। मतलब ये हुआ कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर है, ये इस यहां पे ये आ रहा है ना, बाय दिस रिजल्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। पर हमें क्वेश्चन में जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वहां हमें ये दे रखा है कि जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल है, और अगर ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल है तो उसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो ये एक ही कंडीशन में बराबर होगा जब दोनों यहां पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना, अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो दोनों केस में बराबर हो जाएगा, राइट। तो यही समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, और ये दोनों किस केस में बराबर, जब दोनों यहां पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। अगर ये दोनों ही जीरो हो जाए, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इसमें एफ डे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो हो गए, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। और डेरिवेटिव अगर जीरो के बराबर हो गया, इसमें डेरिवेटिव अगर जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, हमारी जो थ्योरम होती है वो प्रूव हो जाती है। थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल है, और अगर उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, है ना, तो एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस ए बी के अंदर, है ना, ए बी के अंदर, सच दैट एफ डे सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर हमने प्रूव कर दिया कि इसका डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो इस तरह से हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं, राइट। अब इसमें बात करेंगे इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें क्वेश्चन देखिए आप, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन माइनस वन टू वन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं, तो एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस, तो इसमें ये कंटिन्यूस तो है ही है, और ये यहाँ पर डिफरेंशियबल भी होगा, तो इसमें कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल तो हमें सीधा दिख रहा है। अब हमारे पास एक और पॉइंट होता है, और वो ये होता है कि इसकी जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब एफ माइनस वन किसके बराबर होना चाहिए, एफ वन के बराबर होना चाहिए ना, जानते हैं हम कि एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बी होता है, राइट। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों पे हम चेक करेंगे, तो स्टूडेंट आप चेक करेंगे माइनस वन का स्क्वायर वन होता है और प्लस वन का स्क्वायर भी क्या होता है, वन ही होता है, तो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे इसकी फंक्शन की वैल्यू तो थर्ड कंडीशन में सेटिस्फाई हो गई। अब हमारे पास क्या बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट इस ए माइनस वन टू वन में एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो इसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, टू एक्स आएगा, और यहाँ पे सी रखना है एक्स की जगह, तो टू सी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, और सी जो होता है वो इस इंटरवल में है, है ना, सी इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। इसका मतलब ये हुआ भैया कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे क्या होती है, वेरीफाई होती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, क्लियर। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगेन यहाँ पे 2 और 4 पे आपको दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी या नहीं होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एंड पॉइंट पे देखो, फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये हमारे पास कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एफ टू, सुनिए देखेंगे हम यहाँ पे कि एफ टू इज इक्वल टू एफ फोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये थ्योरम हम अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट 2 की जगह वैल्यू रखने पर आप देख रहे हो हमारे पास एफ टू की वैल्यू भी जीरो आ रही है और 4 रखने पर भी जीरो आ रहा है, राइट। दोनों पॉइंट पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए 2,4 सच दैट एफ डे सी इज इक्वल टू जीरो। ये होता है इस यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो स्टूडेंट इसका जो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स वो कितना आएगा इस यहाँ पे 2x माइनस 6 आएगा। तो जहाँ पर भी x वहाँ c रख दीजिए तो ये आएगा हमारे पास 2c माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1/3, और हम जानते हैं कि 1/3 इस इंटरवेल में लाई करता है, दैट इज c इज इक्वल टू 1/3 लाई इन दिस इंटरवेल 2,4। इसका मतलब यहाँ पे जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, वेरीफाई होती है। सॉरी आई थिंक 3 आ रहा है, माफी चाहूंगा, देयर इज अ करेक्शन, प्लीज डू करेक्शन, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्व करेंगे हम, तो स्टूडेंट यहाँ पे सी की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 3, और हम जानते हैं 3 किस में जा रहा है 2,4 में लाई कर रहा है, 1/3 नहीं था, 1/3 आउट लाई कर रहा था ना। अगर ऐसा आउट लाई कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होते, यू कैन नॉट अप्लाई रोल्स थ्योरम इन दिस केस, राइट। अगर 1/3 आता तो फिर ये इस इंटरवेल में नहीं आता, मतलब ऐसा कोई भी सी एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये CSIR नेट में भी आया है और बहुत सारे बच्चों के जो BSc वाले हैं MSc वाले उनके एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर द रियल नंबर सच दैट, हमारे पास ये दे रखा है अल्फा 0 अपॉन एन प्लस 1 अल्फा 1 अपॉन एन, इस तरह से हमारे पास दे रखा है। देन शो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू 0,1 सच दैट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। आपको ये प्रूफ पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे हम यहाँ पे फाइव एक्स डिफाइन करेंगे इन दिस क्लोज इंटरवल 0,1। तो इसमें फाइव एक्स हमने ऐसा ले लिया। अब आपको ट्रिक समझने की जरूरत है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये देखो, ये तो आप यहाँ पे क्या करो, एक्स पावर एन प्लस 1 ले लो, है ना, यहाँ पे एक्स पावर एन ले लो, है ना, ऐसा यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस 1 ले लो। इस तरह से आप यहाँ पे लोगे ना, सॉरी एन है एन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा, राइट। ये हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे, क्लियर है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो ये दे रखा क्वेश्चन, तो इसमें यहाँ पे इस तरह से आप, ताकि हम क्या, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल हो जाए, एन से एन कैंसिल हो जाए, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, राइट। तो सुनिए हमारे पास फाइव एक्स हमने एज्यूम कर लिया और दिस इज द पॉलीनोमियल, सो दिस इज द डिफरेंशियबल एंड कंटिन्यूस, राइट, इन द क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल 0,1, राइट। अब हमें चेक करना है कि इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि f0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें ये, सॉरी, मतलब फाइव जीरो देखेंगे क्योंकि हमारे पास फाइव एक्स लिया हमने। सो सर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो इन फाइव जीरो की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइव जीरो की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो फाइव जीरो, तो इसमें यहाँ पे जहाँ पर भी एक्स वहाँ जीरो रख देंगे, हमने ये फाइव एक्स एज्यूम किया है। अब इस फाइव एक्स में हम एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो इसमें देखो सब जगह एक्स एक्स आ रहा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। अब हम फाइव वन की वैल्यू निकालेंगे, जब हम वन की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जहाँ पर भी एक्स वहाँ वन रखेंगे तो इसमें ये आएगा हमारे पास अल्फा जीरो अपॉन एन प्लस वन, राइट। फिर ये आएगा हमारे पास अल्फा वन अपॉन एन, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और इसमें ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में जीरो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। जैसे वन रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये भी जीरो है, इसका मतलब फाइव जीरो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, फाइव वन आ गया, मतलब बराबर आ गया। इसका मतलब ये होगा कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0,1 सच दैट, क्या होगा इसमें यहाँ पे फाइव डैश सी, सॉरी दिस इज फाइव डैश सच दैट फाइव डे सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सुनिए आप इसका डेरिवेटिव करो और जहाँ पर भी सी वहाँ जीरो पुट करो, जहाँ पर भी एक्स वहाँ सी रखो और फिर इसको जीरो पुट कर दो। तो जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। तो सुनिए यहाँ पे वही है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर लिया तो बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइव डे एक्स निकालेंगे, तो देखो ये हमारा फाइव है, ये हमारा पाई है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, चलो मैं यहाँ लिखा देता हूँ इसका डेरिवेटिव, तो फाइव डैश एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे एन प्लस वन आ गया आएगा, तो सुनिए आएगा फाइव जीरो एक्स एन, है ना, और n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n आएगा तो ये x पावर n माइनस वन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अल्फा n माइनस वन एक्स हो जाएगा और ये अल्फा n हो जाएगा। और देखो यही हमारे पास आ रहा है ना, और ये हमारे पास f डैश c, और जहाँ पर भी सी एक्स वहाँ सी रखेंगे और जीरो पुट करेंगे, तो जहाँ पर भी एक्स वहाँ सी आ जाएगा इसको जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब हमने यहाँ पे एक्स ले लिया तो कोई बात नहीं है, सी की जगह हमने एक्स ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो है ना ये एज्यूम कर लेंगे। अगर आपको ये एज्यूम करना आ गया तो क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि हमें ये दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे,
रोल सीरम में 0 और 1 पे हम चेक करेंगे तो 0 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू मतलब 5051 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा इसके बीच में एक ऐसा x एग्जिस्ट करेगा जहां पर इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी 5x जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू का प्रूव आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके थ्योरम्स के प्रूफ और आगे भी मैं बहुत एक्चुअली मैं आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा काम चल रहा है अभी स्टूडियो का, तो इस वजह से थोड़ा मैं बिजी हूँ तो मैं थोड़ा काम नहीं कर पा रहा हूँ, पर आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके लिए यहाँ पे वीडियोज़ 1-to-1 by 1 मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लास्ट में मेरी वीडियोज ही आप देख सकते हैं, सुनिए मेरा नया चैनल है जिसमें मैंने जनरल एप्टीट्यूड के CSIR नेट की काफी सारे अच्छे वीडियोस और भी करे क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है। सुन ये जो है ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं रियलाइसिस की जिसमें मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए। सुन ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा चैनल है नया वाला जिसमें मैं काम कर रहा हूं एप्टीट्यूड के लिए, और ये मेरा पुराना चैनल जिसमें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।